धर्मपुरा के इलाके मुस्तफाबाद में बारिश का पानी तहाल ना निकाला जा सका। इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। वासा के नाकिस इंतजामात पर सरापा एहतजाज है। मजीद जानते हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अवैस से। अवैस आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 2018 का इलेक्शन में वो अख्ताम पजीद हो चुका है और देखा जाए नई हुकूमत भी आने वाली है और इस तरह ही देखा जाएगा आवाम के मसाइल, लेकिन वो हल होने का नाम नहीं ले रहे। आए रोज़ जो है आवाम सरापे एहतजाज नजर आती है। मौजूद हूँ धर्मपुरा के इलाके मुस्तफाबाद में और यहाँ पर अगर बात कीजिए गलियाँ जो है तालाब का मंजर पेश कर रही है। बारिश को रुके हुए घंटों हो चुके हैं लेकिन अभी तक यहाँ पर निकासी का इंतजाम जो है नहीं किया गया, ना ही कोई वासा के इंतजाम की जानब से कोई ट्रक या कोई ऐसी चीज़ आई जो सक्कर यहाँ पे आए हो जो उन्होंने पानी वगैरह निकालो, ऐसा कुछ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। अभी भी दो दो तीन तीन फुट यहाँ पानी खड़ा है। तो इसी वाले से जानते हैं कि कब से ये इशू नजर आ रहा है, कि ये आज ही नजर आया कि पहले भी होता है, कि बताइएगा इस वाले से। सर, इससे पहले भी ये इशू चलता आ रहा है, काफ़ी सालों से बल्कि चला आ रहा है। अभी मैंने दो दिन पहले वहाँ कंप्लेंट भी कराई है इनके ऑफिस में बासा की, कि ये ड्रेन जो है ये बंद है। उन्होंने मुझे कहा कि जी बंदे आ रहे हैं, बंदे जा रहे हैं, आते हैं बांस वांस लेके और चले जाते हैं। कहते जी गाड़ी नहीं मिलती, हमारे पास गाड़ियाँ नहीं हैं, हम कहाँ से करें। और इसी वजह से ये सारा ड्रेन और ये पानी रुका। मुंतखब होने वाले जो नुमाइंदगान वो आते हैं यहाँ पे। सर, मुंतखब होने वाले नुमाइंदे तो उसी वक्त आएंगे ना जब वो मुंतखब होंगे। अभी क्या हुआ, जो पहले आए उन्होंने भी कुछ नहीं किया, जो बाद में आएंगे वो क्या करेंगे। जी बिल्कुल, यही कहना है कि हम लोग वासा के इंतजामिया के ऑफिस भी वहाँ पे भी गए लेकिन उन्होंने हमारा कुछ नहीं सुनिए। यहाँ पे इस वक्त जो पानी यहाँ पे मौजूद है और भी लोग यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे, मसले कब हल होंगे आपके। मसले अगर मुल्की ना जो मुंतखब नुमाइंदे मसले हल करेंगे तो होंगे, हम छोटे से बड़े होंगे, लेकिन ये रोड का जो पानी है एज इट इज है, ये सारे धर्मपुरे का पानी इधर खड़ा होता है और ना आमदोरफ भी नहीं होती, ट्रैफिक जाम हो जाती है, कारोबार रुक जाते हैं। यही कहना है कि यहाँ पे वासा इंतजामिया की जान से कोई भी यहाँ पे नहीं आया। हम लोग बचपन से ये देख रहे हैं और आज तक यहाँ पे इंतजामिया के लोग सिर्फ वोट मांगने आते हैं, उसके बाद यहाँ पे काम नहीं करवाया जाता। और आज तक यहाँ पे यही बारिश के बाद जो दो दो तीन तीन फुट पानी यहाँ पे मौजूद होता है, जिसके बायस जो बच्चे भी यहाँ पे गिरते हैं, बाइकें भी खराब होती है, ट्रैफिक की रवानी भी वो मुतासर होती है, के बायस जो है अहले इलाका यहाँ पे सरापा एहतजाज है। और इनका यही कहना है कि हम यहाँ तब तक एहतजाज करेंगे जब तक हमारे यहाँ से जो है यहाँ पानी